नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कुंवारी बेटी अपने पिता के साथ भोजन करती है या फिर पिता की थाली में साथ में भोजन करती है तो क्या होता है। कहीं आप भी तो उन कुंवारी बेटियों में से नहीं जो अपने पिता के साथ भोजन करती हैं। साथ ही जानेंगे उन चार प्रकार से भोजन करने का गलत तरीका। अगर इस तरीके से भोजन किया जाए तो घर में आती है दरिद्रता। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं उन भोजन करने के तरीकों को जिनसे हमारे घर में आती है दरिद्रता। हमारे धार्मिक ग्रंथ में केवल धर्म की ही नहीं बल्कि कर्म से जुड़ी बातों के बारे में भी ज्ञान दिया गया है। आज हम बात करेंगे भोजन के बारे में। सांसारिक और व्यवहारिक ज्ञान का परम भंडार माने जाने वाली गीता में इस बात का वर्णन मिलता है कि भीष्म पितामह ने अर्जुन को चार प्रकार के भोजन करने की सलाह दी थी। उन चार प्रकार के भोजन कौन से हैं वो हम जानते हैं। पहला भोजन, भीष्म पितामह ने ऐसे भोजन को कीचड़ के समान बताया जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर गया हो। गीता के अनुसार ऐसा भोजन नाले में पड़ी कीचड़ के समान होता है, इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि गलती से भी आप घर में भोजन की थाली को लांग गए हैं तो बेहतर होगा कि उसे स्वयं ना खाकर जानवरों के लिए डाल दें। दूसरा भोजन करने का तरीका, दोस्तों गीता में दूसरा गलत प्रकार का भोजन उसको बताया गया है जिस भोजन की थाली में पैर से ठोकर लग गई हो या फिर किसी का पांव लग गया हो। ऐसा भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता, ऐसे भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए, नहीं तो आप दरिद्र हो सकते हैं। तीसरा भोजन, गीता में भीष्म पितामह ने बताया है कि तीसरा खराब प्रकार का भोजन वह होता है जिसमें बाल निकल आए। ऐसे भोजन को खाने योग्य नहीं माना जाता या दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन करने वाला व्यक्ति जल्द ही कंगाल हो जाता है। और हमारा सबसे लास्ट यानी चौथा भोजन करने का तरीका, चौथा भोजन वो भोजन जो कुंवारी बेटी अपने पिता के साथ भोजन करे तो क्या होता है। दोस्तों, बेटी अपने पिता के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य होती है। बेटी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। बेटी को तो पिता नसीब होता है, पर हर पिता को बेटी नसीब नहीं होती। हर बेटी अपने पिता की परी और राजकुमारी होती है। हर बेटी अपने पापा के इतने करीब होती है, या ये कहें कि बेटी तो अपने पापा का कलेजा होती है जिसे वो बहुत ही प्यार से पालते हैं। एक बेटी अपने माता पिता के साथ भले ही कुछ साल के लिए ही साथ रहे पर अपने माता पिता के स्वभाव को ही बदल देती है, क्योंकि बेटी का प्यार तो अपने पिता के लिए तो जीवन भर ही रहता है। एक बेटी ही अपने पूरे परिवार का माहौल ही बदल देती है, वह अपने माता पिता के लिए आन बान और शान होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि बेटी जब तक कुंवारी है यदि वह अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करती है तो वह अपने पिता की काल को ही नष्ट कर देती है। ऐसे पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती क्योंकि वह काल को ही हर लेती है। कुंवारी बेटी पिता के साथ बैठकर भोजन करे तो पिता की काल को हरती है। साथ ही गीता में ये भी बताया गया है कि यदि कुंवारी बेटी अपने पिता के साथ भोजन करती है तो न सिर्फ अपने पिता की अकाल मृत्यु को रोकती है बल्कि उसका अपने पिता के साथ खाना खाने से उसके पिता की तरक्की ही तरक्की होती है। तो जो इस समय जितने भी पिता मुझे सुन रहे हैं उसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप खाना खाएं तो अपनी पुत्री को यदि वह छोटी है तो अपने साथ एक ही थाली में खाना खिलाएं, अगर वो बड़ी है तो उसे अपने साथ बिठाकर ही खाना खाएं। साथ ही हर एक कुंवारी बेटियों से कहना चाहूँगी कि वो अपने पिता के साथ ही बैठकर खाना खाएं ताकि उनका पिता दीर्घ आयु ही रहे। और साथ ही इस वक्त जो भाई बहन मुझे सुन रहे हैं उनसे बस यही कहना चाहूंगी कि ये वीडियो अपने आस पड़ोस रिश्तेदार सभी को शेयर करें ताकि हर एक कुंवारी बेटी अपने पिता के साथ भोजन करके अपने पिता की अकाल मृत्यु को रोक ले और उसका पिता दीर्घ आयु हो जाए और साथ ही उसके पिता की रोजगार में उन्नति ही उन्नति हो। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर करना। साथ ही अगर आप ऐसे जानकारी रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।